नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष और स्वागत है आपका मालवा डायरी हिस्ट्री चैनल पे। आज के वीडियो में हम होलकर घराने की एक ऐसी महिला शासिका के विषय में चर्चा करेंगे जिन्हें मां अहिल्या के बाद सबसे ज्यादा आदर एवं सम्मान दिया जाता है, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में होलकर राज्य का सही मार्गदर्शन किया। तो आज हम चर्चा करेंगे माजी साहेब कृष्णाबाई उर्फ केसरबाई साहेब होलकर के विषय में। तो साथियों, मां अहिल्या के साथ शासन चलाने वाले महाराज तुकोजीराव होलकर, जिन्हें हम प्यार से तुकोजी बाऊजी के रूप में जानते हैं, उनके बेटे थे महाराज यशवंतराव होलकर, जिनकी तीन पत्नियां थी, लाडाबाई साहेब, तुलसाबाई साहेब और हमारी कृष्णाबाई साहेब। तो रानी कृष्णाबाई बड़े ही साधारण परिवार से आती थी, इसलिए उनका जो नजरिया था वह अन्य राज परिवार की जो महिलाएं थी उनसे काफी अलग था। इनका जन्म सन 1783 के आसपास का बताया जाता है। महाराजा यशवंतराव होलकर को इनसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी जिसका नाम मल्हार रखा गया था। तुकोजी होलकर जी की मृत्यु के बाद महाराजा यशवंतराव होलकर ने कमजोर हो चुके होलकर साम्राज्य को पुनः शक्ति संपन्न बनाया और अंग्रेजों से अपने राज्य की सफलतापूर्वक रक्षा भी की। सन 1811 में महाराजा यशवंतराव होलकर की मृत्यु के पश्चात फिर से होलकर राज्य पर अंग्रेजों का खतरा मंडराने लग गया था। अब महाराजा यशवंतराव होलकर की गुणवान एवं अति सुंदर रानी तुलसाबाई ने रानी कृष्णाबाई के पुत्र, जो कि मात्र 5 वर्ष के थे मल्हार, उन्हें गादी पर बिठाकर प्रशासक के तौर पर कार्य किया। यूं तो रानी तुलसाबाई ने राजकाज के सारे गुर महाराजा यशवंतराव होलकर से ही सीखे थे, पर अपनी ही सेना के गद्दारों ने रानी तुलसाबाई होलकर की धोखे से हत्या करवा दी थी। फिर सन 1817 में अंग्रेजों और होलकरों के बीच में महिदपुर का युद्ध होता है, जिसमें महाराजा यशवंतराव होलकर जी की रानी लाड़ाबाई से जन्मी पुत्री वीरांगना भीमाबाई होलकर बड़ी ही वीरता से लड़ती है, पर फिर भी इस युद्ध में भीतराघात के कारण ही अंग्रेजों की जीत होती है और होलकरों की हार होती है। पर सन 1818 में अंग्रेजों और होलकरों के बीच में एक संधि होती है जिसे मंदसौर की संधि के नाम से जाना जाता है। यहां से महारानी कृष्णाबाई होलकर की राजनीति में मुख्य पटल पे एंट्री होती है। उन्होंने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए तात्या जोग उर्फ विट्ठल महादेव कीबे जैसे बुद्धिमान व्यक्ति को अपना मंत्री नियुक्त किया, जिन्होंने मंदसौर की संधि में होलकरों का प्रतिनिधित्व किया था। इस समय होलकर राज्य की आर्थिक व राजनीतिक स्थिति जो थी वह काफी कमजोर हो गई थी। अंग्रेज राज्य के कामों में मनमानी कर रहे थे, सेना कमजोर थी, विद्रोह की साजिशें चल रही थी। ऐसी स्थिति में महारानी कृष्णाबाई और तात्या जोग ने होलकर राज्य को सुचारू रूप से चलाया। यहाँ पर माँ अहिल्या के जीवन और कृष्णा माँ जी के जीवन में हमें थोड़ी समानताएं दिखाई देती है। वो ऐसे कि जिस तरह से माँ अहिल्या के सामने एक के बाद एक लगातार चुनौतियाँ आती गई, पर्सनल और राजनीतिक लेवल पे केसरबाई साहेब के सामने भी इसी तरह की चुनौतियाँ आई थी। सन 1826 में इनके होनहार मंत्री तात्या जोग की मृत्यु हो गई, जो कि एक बहुत बड़ी हानि थी होलकर राज्य के लिए। फिर सन 1833 में युवा महाराज मल्हारराव होलकर द्वितीय की रोग से ग्रसित होकर मृत्यु हो गई। क्योंकि अब महाराज की कोई संतान नहीं थी तो फिर से उत्तराधिकारी का संकट उत्पन्न हो गया, वो भी ऐसे समय में जब अंग्रेज होलकर राज्य को पूरी तरह से हथियाने के लिए तैयार बैठे थे। यहाँ पर माजी कृष्णाबाई होलकर अंग्रेजों को भी विश्वास में लेकर चलना था। तब माजी साहेब ने उनके रिश्तेदार बापू साहेब होलकर के पुत्र मार्तंडराव होलकर को गोद लेकर उन्हें गादी पर बिठाया और उनके प्रतिनिधि के तौर पर राजकाज को आगे चलाया। पर तभी मालवा में एक महत्वपूर्ण घटना होती है। महाराज यशवंतराव होलकर के भतीजे हरिराव, जो कि विठोजी होलकर के पुत्र थे, उन्होंने मार्तंडराव को गादी दिए जाने का विरोध किया। हरिराव जी जो थे यह होलकर सेना के चहीते थे, क्योंकि उनके साथ वह काफी सारे युद्धों में भाग ले चुके थे। तभी माजी कृष्णाबाई ने स्थितियों को भांपते हुए अंग्रेजों को विश्वास में लेते हुए हरिराव को ही गादी देना उचित समझा
और उन्हें सन 1834 में उन्होंने महाराजा बनाया। अब सन 1843 में महाराजा हरिराव होलकर की भी मृत्यु हो जाती है और उनके बाद दत्तक लिए गए खंडेराव होलकर द्वितीय को महाराज बनाया जाता है और उनकी राज प्रतिनिधि के तौर पर माजी साहेब अपना राज चलाती है। पर दुर्भाग्य से एक साल में ही उनकी मृत्यु हो गई और इनका भी कोई वारिस नहीं था। तब माजी साहेब ने गोद लेकर राजा बनाया जो कि आगे चलकर श्रीमंत तुकोजीराव होलकर द्वितीय के नाम से जगत में प्रसिद्ध हुए। रानी कृष्णाबाई ने ही उनका मार्गदर्शन किया था और भविष्य में माजी कृष्णाबाई होलकर का यह निर्णय बहुत ही सही साबित होता है, क्योंकि महाराज तुकोजीराव होलकर द्वितीय ने इंदौर को आधुनिकता एवं विकास के पथ पर अग्रसर किया था। माँ अहिल्या की तरह रानी कृष्णाबाई भी अपने धार्मिक एवं निर्माण कार्यों के लिए जानी जाती है। उन्होंने महेश्वर में सुंदर छतरी का निर्माण कार्य करवाया, अहिल्येश्वर शिवलिंग की स्थापना उन्होंने करवाई, काशी विश्वेश्वर में देवालय का निर्माण करवाया तथा अपने पति महाराजा यशवंत राव होलकर की स्मृति में भानपुरा में एक भव्य छतरी का निर्माण कार्य शुरू करवाया। उनके राज्य में कोई भी दीन दुखी या याचक महल से कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता था। सन 1849 में मालवा की राजमाता कृष्णाबाई साहेब का स्वर्गवास होता है। दोस्तों, सन 1818 से सन 1849 के कालखंड में उन्होंने होलकर राज्य को बिखरने नहीं दिया और अंग्रेजों के साथ साथ अपने आंतरिक विद्रोह का भी बड़ी बहादुरी से सामना करते हुए सदा ही माँ अहिल्या के बताए पथ का पालन किया। उनकी याद में राजवाड़े के पास कृष्णपुरा पर महाराज तुकोजीराव होलकर द्वितीय ने एक अति सुंदर एवं भव्य छतरी का निर्माण कार्य करवाया है। तो दोस्तों, जाते जाते आप इस छतरी के दर्शन कीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।